हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल द न्यू सेशन 2021 एंड आई एम योर सेशन टीचर. आई एम हियर गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू टॉपिक इन हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया. का जो अगला टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाई गांधी जी कॉल्ड अप द मूवमेंट ऑफ कॉलिंग ऑफ ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. मतलब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड अप क्यों किया था, इसके क्या कारण थे, मतलब ऐसा क्या दिक्कत हो गया था जिसकी वजह से गांधी जी ने ये मूवमेंट जो इतना बड़ा था इसको उन्होंने कॉल्ड अप कर दिया. तो बेसिकली ये था कि गांधी जी के कॉल्ड अप करने के कई सारे कारण थे, एक ही कारण नहीं था. गांधी जी जो जितना भी मूवमेंट चलाए देश में वो सब वायलेंस पे नहीं, नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, अहिंसा पे. लेकिन कई जगहों पे अक्रॉस द कंट्री में अहिंसा की जगह हिंसा हो रही थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसको कॉल्ड अप कर दिया. तो कारण पाँच छः कारण थे. पहला ये था कि अरेस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक जेल नेहरू एंड अब्दुल गफ्फार खान. जैसे गांधी जी के जो प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के पेशावर से उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया था, साल्ट मूवमेंट था उसको उन्होंने वहाँ पे चलाया था, तो ये अरेस्ट हो गए थे. दूसरा ये था कि वायलेंट एंड क्लैशेज इन मेनी प्लेसेस एंड फायरिंग पुलिस, मतलब पुलिस फायरिंग कई जगहों पे क्लैशेज हो रहे थे, वायलेंट क्लैशेज, हिंसा हो रही थी. और दूसरा कि पुलिस फायर कर रही थी, पुलिस को लोग मार रहे थे, लोग पुलिस को मार रहे थे. गांधी जी भी अरेस्ट हो गए थे. वायलेंट जो क्लासेस थे वो हर जगह पे बिगेन हो गए अक्रॉस द कंट्री में. पीसफुल सत्याग्रही को मतलब वो अटैक किया जा रहा था, उन पे जबरदस्ती उनको सप्रेस करने के लिए ब्यूटल सप्रेशन किया जा रहा था. वुमेन और चिल्ड्रन को भी बख्शा नहीं गया, उन पे भी उनको मारा गया, पीटा जा रहा था. थाउजेंड ऑफ अरेस्टेड, बहुत सारी संख्या में लोग जेलों में बंद थे. इन सब वजह के चलते जब गांधी जी ने देखा कि ये जो मूवमेंट है अब ये अहिंसा की जगह हिंसा ज़्यादा हो रही है इसमें, तो उन्होंने क्या किया कि इसको उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया. ये मूवमेंट जो था इन सब कारणों की वजह से कॉल्ड ऑफ किया गया. तो आपको जब भी कहीं लिखना आएगा तो ये सारे पॉइंट उठा के आप लिख देंगे, आपको आपका नंबर नहीं कटेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसको पार्टिसिपेंट कैसे देखते थे. गांधी जी का तो अलग मोटो था, जो कांग्रेसी थे उनका अलग मोटो था. कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था, पूर्ण स्वराज, क्यों हमको पूरा डोमिनियन मिले, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको उस समय की. लेकिन ब्रिटिश जो थे वो अलग थे, लेकिन हमारे जो पार्टिसिपेंट थे, जो लोग जुड़े थे मूवमेंट से, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, उनकी क्या सोच थी, वो क्या सोचते थे इस मूवमेंट को लेके, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस मूवमेंट से. तो चार मेन ग्रुप्स थे, रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, बिजनेस कम्युनिटी एंड वर्कर, चार लोग हो गए. अब ये चारों लोग की अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी, मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा था उनकी धारणा बिल्कुल अलग थी. वो क्या थी, चलिए पढ़ते हैं. पहले रिच पीजेंट थे, ये पाटीदार्स जो गुजरात और यूपी में एक्टिव थे इस मूवमेंट को लेके, रिच पीजेंट थे जो बेसिकली कमर्शियल क्रॉप को उगाते थे. लेकिन जब उन सालों में उनका कैश डिसअपियर हो गया. दूसरा ये था कि जो ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट थी उन्होंने उन पर हाई रेवेन्यू लगाया हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा उनको टैक्सेस देना पड़ता था. तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू देना था उसको रिफ्यूज कर दिया और डिमांड किया कि रिड्यूस किया जाए, जो रेवेन्यू लिया जा रहा है उनको रिड्यूस किया जाए. तो उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए, आज़ादी का कोई मोटो नहीं था उनके पास, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि जो रेवेन्यू सिस्टम बढ़ा हुआ है वो अगर कम हो जाए तो उनका मतलब फुलफिलमेंट हो जाएगा, वो इसी को अपना नेशनलिज्म समझते हैं. ठीक है, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ज्वाइन तो किया, लेकिन उनका मेन क्या था, फॉर देम उनका मेन एम था कि इट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट उनको तब हुई जब ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया. गांधी जी ने 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब निराशा हुई. ठीक है, जब दूसरी बार 1932 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने गए नहीं. इसलिए नहीं गए कि उनका डिमांड पूरा नहीं हुआ और वो मूवमेंट में गए और मूवमेंट पहले ही बंद हो गया. तो गांधी जी का तो मोटो अलग था, इनका मोटो अलग था. दूसरे थे पुअर पीजेंट. अब पुअर पीजेंट के पास प्रॉब्लम ये थी कि जो वो जो टिनेंट थे
वो किराएदार थे, ज़मीन लेके खेती करते थे, तो उनके पास ये प्रॉब्लम थी कि जो लैंड लॉर्ड था जो उन पे रेंट जो पे करते थे ज़मीन का, वो चाहते थे कि वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंड लॉर्ड टू बी रिमिटेड, जो लैंड लॉर्ड रेंट लेता है वो थोड़ा सा कम करे, बहुत ज़्यादा वो भी लेता था, तो ये इनकी डिमांड थी। अब कांग्रेस वॉज नॉट विलिंग टू सपोर्ट द पुअर टीनेंट्स, फियरिंग इट माइंड टू अपसेट द रिच पीजेंट। अब कांग्रेस किसी के साथ नहीं जा सकती थी, अगर वो गरीब पुअर पीजेंट के साथ जाती, उनका अगर रेंट कम करवाने के लिए सत्याग्रह या जो भी मूवमेंट करती, तो फिर धनी जो पीजेंट थे वो बुरा मान जा रहे थे। इस वजह से दोनों ही पार्ट मतलब एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं किया, ना पुअर पीजेंट ना ही जो रिच पीजेंट थे। रिच पीजेंट तो हालांकि वो तुरंत ही बैकअप हो गए, ठीक। तो गांधी जो कांग्रेस थी उस समय, उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर वो पुअर पीजेंट के साथ जाते तो अमीर पीजेंट जो थे रिच पीजेंट वो बुरा मान जाते, अगर वो रिच पीजेंट के साथ जाते तो फिर पुअर पीजेंट बुरा मान जाते, ये दिक्कत थी। नेक्स्ट थे उसमें बिजनेस क्लासेस। ये बिजनेस क्लासेस कौन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उनका क्या रोल था? तो इन फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मेड अ ग्रेट प्रॉफिट एंड गॉट पावरफुल। जो पहला वर्ल्ड वार हुआ उसमें उन्होंने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और मर्चेंट थे, उसमें बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और वो थोड़े से पावरफुल हो गए, ठीक है। डिमांड ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, उनकी क्या डिमांड थी? उनका मेन मोटो ये था कि जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं हमारे यहाँ, उन पे इम्पोज लगाया जाए, उनका प्रोटेक्शन उसके खिलाफ हो। मतलब पहले बिजनेस कैसे होता था, जब इंपीरियल गवर्नमेंट भारत में रूल कर रही थी, तो ये था कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अपना कोई प्रोडक्ट माल प्रोड्यूस नहीं करना है, जो ब्रिटिश बना के भेजेंगे भारत में इम्पोर्ट करेंगे उसी को आपने बेचना है। तो ये चाहते थे कि जो माल बाहर से आ रहा है, जो गुड्स बाहर से आ रहे हैं, उस पे जो है कंट्रोल, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट हैं उसको ज़्यादा ये मतलब बेचा जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस जो है 1920 में बनाया था, फेडरेशन था वो ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट FCI इन इंडिया इन 1927, लेड बाई द पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड JD बिरला, गेव अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये उन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट और जितने भी मर्चेंट थे उन्होंने मिलकर एक मतलब कमिटी बनाई थी जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि रिफ्यूज, जब गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया तो उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स। उन्होंने ये तो गांधी जी ने कहा ही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, आपको ना ही उनको तो रिफ्यूज करना ही है साथ में, ना ही उनको रेंट देना है, तो मतलब ये एक डिफरेंस था। बाकी सत्याग्रह में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस था, तो यहाँ गांधी जी ने एक चीज़ कहा था कि आपको ना ही उनको पे करना है, उसके बाद रिफ्यूज भी करना है, ठीक है, कि हम ना देंगे ना ही आपको हम पे करेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने क्या किया, ना ही उनका माल खरीदा, रिफ्यूज टू बाय एंड सेल द इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। दे वेयर एप्रीहेंसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी एंड वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, स्ट्राइकर्स ऑफ रेलवे वर्कर इन 1930, डॉकयार्ड्स इन 1932। अब इनके और डॉकयार्ड और रेलवे वर्कर के बीच में थोड़ी सी तनातनी थी। जो वर्कर्स थे इनके, वो चाहते थे इनका वर्किंग आवर डबल हो, और वो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने स्ट्राइक या डेमोनिस्ट्रेशन करते थे। अब गांधी जी के सामने फिर प्रॉब्लम थी, अगर वो वर्कर के साथ जाते तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे मूवमेंट को, किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर गांधी जी वर्कर्स के साथ जाते तो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो मर्चेंट थे वो बुरा मान जाते, अगर वो मर्चेंट के साथ जाते तो पीजेंट और वर्कर्स जो थे, जो वर्कर्स थे बेसिकली रेलवे वर्कर्स और डॉकयार्ड वर्कर्स, डॉक वर्कर, वो बुरा मान जाते। अब इस वजह से दोनों के बीच में असंजमस्य हो गया, कांग्रेस और बिजनेस क्लासेस के बीच में, और उन्होंने भी कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेंट नहीं रहे, ठीक है। फॉर देम, उनके लिए जो बिजनेस क्लास था उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, स्वराज का मतलब है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आज़ादी, डोमिनियन जो कंट्री बने, भारत को उसका डोमेन मिल जाए, डोमिनेंस मिल जाए, कि वो अपना पावर को खुद संभाले। लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, व्हेन मींस टाइम फॉर देम, बिजनेस क्लास के लिए, फॉर देम
स्वराज मीन्स अ टाइम वेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन वुड बी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। उनके लिए मतलब था कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो भारत में लगा के रखी है कि उनको अपना माल नहीं बनाना है और फॉरेन से जो गुड्स आएंगे उन्हीं को सप्लाई करना है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फ्लोरिड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, वो मानते थे कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को, बिजनेस और व्यापार को जो है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्लोरिश किया जा सके। और जब सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जब फेल हो गया, मतलब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। इसके अलावा और सारी प्रॉब्लम चल रही थी कि जब वर्कर्स ने क्या किया था, कई बार वो मिलिटेंट एक्टिविटी कर देते थे, फैक्ट्री में आग लगा देते थे, ठीक है, इनके खिलाफ जो है वर्कर्स जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ मिलिटेंट एक्टिविटी कर देते थे, मार देते थे। तो इस वजह से जो मूवमेंट के पार्टिसिपेंट थे वो अपने ही समस्याओं से जूझ रहे थे, उनको आज़ादी का कोई मीन नहीं पता था और वो अपने ही डिज़ायर को फुलफिल करना, मतलब वो समझ रहे थे कि हम क्या हैं, हम यही मेरे लिए आज़ादी है, ठीक है। वर्कर्स जो थे लास्ट में, उनका तो हम आपको बता ही दिए हैं कि वर्कर क्या मांग कर रहे थे, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ कांग्रेस विद द बिजनेस कम्युनिटी। अब बिजनेस को कम्युनिटी के साथ जब कांग्रेस की नज़दीकियाँ बढ़ी तो जो वर्कर्स क्लास था वो इनसे दूर चला गया, मूवमेंट से दूर चला गया। एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ बायकॉट अगेंस्ट लॉ वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, वो अपने आप को कहाँ झोंक दिए, उनका जो स्ट्रेंथ था वो लगा दिए बायकॉट अगेंस्ट लॉ वेजेस, मतलब वो लड़ रहे थे कि जो लो वेजेज उनको दिया जा रहा है, जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। कांग्रेस रिलेक्टिंग टू इंक्लूड दियर डिमांड फियरिंग एलिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर कांग्रेस को डर था कि अगर हम इनके साथ जाते हैं वर्कर्स के साथ, तो जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट है वो हमसे एलिनिएट कर लेगा अपने आप को, एलिनिएशन का मतलब अलग कर लेगा, मोमेंट में हमारे पार्टनर मतलब पार्टिसिपेशन नहीं देगा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वो देते थे वो नहीं मिल पाएगा। तो ये इनकी अलग अलग अवधारणा थी, मोमेंट को लेके ये अलग अलग सोच रखते थे। इनको मतलब नहीं था आज़ादी से, इनको मतलब था अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने से, अगर इनकी डिमांड पूरी हो जाती तो वो जो है उनके लिए आज़ादी का ये मतलब था। अब नेक्स्ट आता है वोमेंस का रोल, कि वोमेंस का रोल जो है उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा, किस में, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट था उनमें इनका क्या रोल रहा था। तो बहुत बड़ा इनका रोल था, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था, प्रोटेस्ट और मार्चेज में, साल्ट मैन्युफैक्चर में, पिकेटिंग फॉरन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप्स, इवन वेंट टू जेल, बिगिन टू सर्व सी द नेशन एज ए स्केयर ड्यूटी, मतलब इन्होंने हर जगह पार्टिसिपेट किया। औरतों ने बहुत सही पार्टिसिपेशन दिखाया, जब साल्ट मार्च हो रहा था तो गांधी के साथ सबसे ज़्यादा औरतें ही थीं, उन्होंने फॉरन जितने भी लिक्विड शॉप थे उनके आगे पिकेटिंग करके, ऐसे हाथ खड़ा मतलब करके, जो मानव श्रृंखला बना वैसे हाथ, जो शराब की दुकानें थी अंग्रेज़ों की उनके सामने वो खड़े हो जाना, या उनके जितने भी इंडस्ट्रीज थे उनके सामने जो पिकेटिंग फॉरन क्लॉथ्स और लिक्विड शॉप के सामने, ये वो जेल भी गईं, ठीक है, साल्ट भी मैन्युफैक्चर किया, साल्ट लोग जब ब्रेकडाउन हुआ तो वो वहाँ भी गईं, ठीक है। वुमेंस वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज इन रूरल फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड, जो पार्टिसिपेशन रहा ज़्यादातर औरतों का वो बेसिकली बड़े घराने से आती थी, वो छोटे लोगों का नहीं, बड़े घराने से जो औरतें आती थी अर्बन फैमिलीज की और हाई कास्ट की, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा। गांधी जी ये मानते थे कि ड्यूटी टू वोमेन टू लुक आफ्टर होम, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स, ठीक है। कांग्रेस वाज रिलेक्टिंग टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। गांधी जी के मतलब नज़र में ये लोग बहुत ही अच्छे ड्यूटी कर रहे थे, खासकर औरतों ये मानती थी कि जो नेशन का सर्व है, सर्विस है, वो एक पवित्र चीज़ है, और वो दिल से जितनी भी औरतें जुड़ी उन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। गांधी जी भी उनकी सराहना करते हैं कि ड्यूटी टू वोमेन टू लुक आफ्टर होम एंड बिगेन ए गुड मदर एंड गुड वाइफ्स, कांग्रेस वाज रिलेक्टिंग टू अलाउ वोमेन टू होल्ड एनी, लेकिन कांग्रेस के पास एक कमी थी, या कांग्रेस के विचार में एक कमी थी कि वो कांग्रेस में किसी भी पोजीशन को वुमेन को देना नहीं चाहते थे, वो उसके खिलाफ थे। तो ये एक कंट्राडिक्शन थी उनके लिए, औरतों के लिए कांग्रेस में। नेक्स्ट है, आज का टॉपिक बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का कल आप कांग्रेस क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं, वो आप लिखिएगा, ठीक है। हाउ पार्टिसिपेंट साव द मोमेंट, ये आपको लिखना है, हाउ पार्टिसिपेंट साव द मोमेंट, जो पार्टिसिपेंट थे वो मोमेंट को किस नज़र से देखते थे, उनके लिए आज़ादी क्या मतलब था। तो आज के लिए इतना ही,
नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।